हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट अपडेट और लूना में फिर से एक तहलका मच गया, यानी कि फिर से कांड हो गया। तहलके से मतलब मेरा कांड का है, कोई बहुत अच्छा काम वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो पहले बात करते हैं हम मार्केट अपडेट की। देखिए मार्केट में अभी वोलेटिलिटी रहेगी, क्यों? क्योंकि देखिए जो डर था वो अभी बरकरार है और 20 तारीख बहुत नज़दीक है। आज देखिए 14 तारीख हो चुकी है और 20 और 21 तारीख में आपका ये फाइनल हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ने वाला है। दूसरा, स्टॉक मार्केट भी देखिए गिरावट में है। तो जब सारी चीज़ें गिरावट में हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखिए अपनी मार्केट पर भी है। और इसका सीधा सा एक उदाहरण जो आपको सबको दिखाई देता है और वो है अपना मार्केट कैप। देखिए मार्केट कैप आपका जो है 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया है, जो अभी आपका जो 1 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा था तभी आप देखिए थोड़ा सा हरियाली भी आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन अब क्या है, मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया। इसका मतलब सेल प्रेशर ज़्यादा है। तो जब सेल प्रेशर ज़्यादा होता है तो देखिए ऑटोमेटिकली होता ये है कि मार्केट से पैसा निकलता है, मार्केट में पैसा आता नहीं है, और वही हो रहा है अभी। तो 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया मार्केट कैप अपना, और BTC अपना जो है अभी देखिए 360, 365 ये चल रहा है। तो BTC भी अभी देखिए कहाँ अपना 22,000 प्लस चला गया था, 400-500 तक चला गया था, उसके बाद ये नीचे आ गया। और अभी भी ये अब ऐसे ही ट्रेंड में चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट का वेट हो रहा है, एक तरह से इंतजार जिसे कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो है इथेरियम मर्ज की न्यूज़। देखिए आपकी कल और मेरे ख्याल से कल ही आपको कंफर्म हो जाएगा सारा सारा ये किस तरीके से क्या क्या मर्ज क्या हुआ है। और इथेरियम में प्राइस देखिए आपका उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कई बार कि जो शायद हाइप बनी हुई थी कहीं ऐसा तो नहीं हाइप खत्म हो गई। लेकिन ये देखिए साहब कल ही कन्फर्म होगा कि आखिर क्या है ये, क्या वेल्स ने कोई गेम अपना पूरा कर लिया क्या? क्यों? क्योंकि देखिए मर्ज की बात है और बहुत बड़ी बात है, और उसके हिसाब से देखिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है। बेशक देखिए अभी मार्केट डाउनफॉल में है, मानते हैं इसी को, लेकिन इथेरियम का भी देखिए बहुत एक अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा कॉइन है, दूसरे नंबर का कॉइन है। तो उस हिसाब से इसमें जो एक बूम दिखाई देना चाहिए था, बेशक से कल के बाद डाउन हो जाता, लेकिन वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो इथेरियम में थोड़ी सी सोचने वाली बात हो गई कि आखिर ये मर्ज का इम्पैक्ट क्या इथेरियम मर्ज के बाद दिखाई देगा या ख़त्म हो चुका। तो ये देखते हैं कल तक क्या रहता है, क्योंकि इसमें एक सीधा सा चीज़ मैं बताता हूँ। अभी इसका जो मार्केट कैप चल रहा है वो 196 बिलियन का चल रहा है इथेरियम का, और जो आपका अभी 2-4 दिन पहले तक जो है 217 बिलियन तक हुआ करता था, यानी कि इसमें से भी पैसा निकल गया, वॉश आउट हो गया। तो जब इथेरियम से पैसा निकलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग शायद ये सोच रहे हैं कि कल के बाद शायद इसका प्राइस कहीं डाउन ना हो जाए। मैंने आपको मार्केट कैप इसीलिए बताया कि मार्केट में से पैसा निकलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेल प्रेशर। तो इथेरियम में से पैसा निकल गया, जो अभी मैंने आपको कहा ना 196 बिलियन अभी चल रहा है, और यही 2 दिन पहले 215-217 बिलियन तक हुआ करता था, यानी कि पैसा निकल गया और नीचे आया। तो कहीं ना कहीं इसलिए वो मर्ज वाली जो अभी तक र्यूमर या कहते हैं बूम जो चल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं फिनिश। कि BTC आपने देख लिया, BTC में भी जो मार्केट कैप था BTC का वो 390 बिलियन पे, जो 400 प्लस हुआ करता था, 412-410 ये बिलियन पे पहुंच रहा था, जो आज की डेट में 390 बिलियन पे आ गया है। इसका मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि मार्केट से देखिए पैसा निकल रहा है, और जब मार्केट से पैसा निकलता है तो कहीं ना कहीं देखिए फिर डाउन ट्रेंड आता ही आता है। अभी अपना फियर इंडेक्स है वो भी देखिए वही 26, 25, 27 के आसपास चल रहा है, तो फियर इंडेक्स भी यानी कि कहीं ना कहीं डर भी है। तो ये है सब देखिए मार्केट का हाल, जो देखिए अभी 21 तारीख तक थोड़ा सा आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, और मैं तो कहूँगा कि आप ट्रेड भी थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि एक क्रैश जहाँ तक उम्मीद है कि आएगा, और अभी तक ये उम्मीद थी कि 0.75, लेकिन अब 0.75 नहीं, अब तो उम्मीद है कि शायद 1 के इंटरेस्ट रख सकते हैं ये 1 बेसिस पे। अभी तक क्या था 0.75 बेसिस का था, लेकिन अब उम्मीद है कि शायद 1 बेस पे ये इंटरेस्ट कर सकते हैं, और इतना हुआ तो देखिए 100% फिर एक मार्केट में वोलेटिलिटी अच्छी खासी आएगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब आ जाते हैं लूना पे, जो फिर एक से चूना लगा दिया, क्योंकि इतने दिनों में चूना लेने ही गया था, जो आपको लगाना था वो लगा ही दिया। और मैंने आपको कल ही ये बात कही थी इसका प्राइस देखिए 28 से 24 के बीच में आएगा तो मैं कहीं सोचूंगा, तो 28 को ये टच कर चुका है,
लेकिन मैं अभी भी 24 तक का वेट करूंगा कि जब तक ये 24 या 24 के आसपास नहीं पहुंचता तब तक मैं कोई बाइंग नहीं करूंगा। और ये बात मैंने आपको कल ही कही थी, आप चाहो तो मेरा कल वाला वीडियो उठा के देख लीजिए जिसमें लूना का अपडेट है। और इसने आज वो काम कर भी दिया, और ये हुआ भी उसकी वजह से कि साउथ कोरिया में डूकॉन के लिए जो है अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। तो जो भी है, लेकिन लूना का वो कहते हैं कि आजकल सब कुछ खराब ही चल रहा है क्योंकि इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है। और मैं आपको हमेशा इसीलिए समझाता था कि कॉइन को थोड़ा सा देख सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो लूना में जो है अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था, एक हाइप क्रिएट की गई थी। जो हाइप क्रिएट कर दी उसका लोगों ने जो है फ़ायदा उठाना था उठा लिया, और हम जैसा आप जैसा छोटा इन्वेस्टर फिर से मारा गया, फिर फंस गया। अब देखिए यहाँ से ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये हाल है साहब लूना का। जो अभी ये मान लीजिए देखिए एलयूएनसी में जो आपका मार्केट कैप है उसका 1.7 बिलियन पे आ गया है, कहाँ तो 3 और कहाँ 1.7, यानी कि लोग पैसा निकाल गए। दूसरा जो प्राइस चल रहा है वो भी 3x0 और 2.9 की सीरीज में चल रहा है करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। तो ये क्या है, मार्केट का डाउनफॉल। और लूना में तो ये देखिए अभी ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप थोड़ा सा लूना से प्रॉफिट ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप जो है लॉन्ग टाइम होल्ड। देखिए जो लोग पहले फंसे हुए हैं वो तो फंसे ही हैं, उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो नए लोग फंसना चाहते हैं वो तो कम से कम थोड़ा सा सोचिए समझिए। तो लूना में बजाय पैसा लगाने के आप वहाँ से अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिटों को निकालिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी पैसा आपका है, आपको कैसे लगाना है कहाँ लगाना है वो आप देखिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।